टक्कर लेने की। टाइम बहुत कम है, जल्दी बता। शायद किसी गैराज में लेके गया मैडम। ए! कौन है? ये तो जहरीली गैस है। सर ये लोग हमें मार के ही छोड़ेंगे। ये जो कोई भी है हमारे साथ एक बहुत बड़ा डेंजरस गेम खेल रहा है। अब तेरी बारी। रातों की नींद उड़ गई ना, अभी तो सिर्फ नींद उड़ी। देखो आगे क्या। फॉरेंसिक डॉक्टर्स तो गए, अरे ये दोनों तो मच्छर हैं। सारी सीआईडी टीम को ही मार दूंगा। हाँ सुन, तेरी बराबर नजर है ना उस सीआईडी टीम के ऊपर? ठीक है, और अगर जरा सी भी लापरवाही की ना तो मातम के अलावा तेरे घर में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। और एक बात बता, ये सीआईडी वालों ने नया कौन सा केस हाथ में लिया है? जरा पता करके मेरे को बताना एक बार। सोचता हूं कि एक बार जाके उनसे मिल लूं, बेचारे बहुत परेशान हैं। एसीपी प्रद्युमन, अगर दम है तो रोक ले। एक और गया तेरी टीम से। पीछे हटिए, मैं कहता हूँ पीछे हटिए। हम मीडिया वाले हैं, आप हमें नहीं रोक सकते। नहीं खुलेगा, आप लोग हटिए, पीछे हटिए। अरे गेट खोलिए, खोलिए, हमें अंदर आने दीजिए। देखिए आप लोगों के इस तरह से आप अपने साथ नीचे भेजिए, ये आप ठीक नहीं कर रहे। आप लोग अंदर नहीं आ सकते, हटिए। आप गेट खोलिए, आपको जवाब देना होगा। जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता हो ना, उसके लिए उसे बुलाना इतना आसान नहीं होता। हाँ, ये बात भी ठीक है। दरअसल पिता की मम्मी डैडी के एक्सीडेंट के बाद दादा का अपनी पोती के लिए प्यार और बढ़ गया था। वैसे 4 साल पहले प्रीता के साथ हुआ क्या था ना? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि अचानक ही वो कहीं गायब हो गई थी। सुनो जी, क्या इसमें कहाँ ले जा रहे हो? ये दादाजी का पैकेट है। देखो दादाजी पहले से परेशान है, उनको दुखी करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो मैं दे नहीं, ये दादाजी को गिफ्ट है, मैं उन्हीं को दूंगा। आने दो। राजेश जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये कटी हुई उंगली आपकी पोती प्रथा की ही है? उसी की है साहब, बिल्कुल उसी की है। ये अंगूठी देख रहे हैं आप,
उसकी माँ ने उसे दी थी। बहुत अच्छी लगती थी उसे यह अंगूठी। मगर अभी कुछ देर पहले तो आपने कहा कि प्रथा 4 साल पहले गायब हो गई थी, उसे किसी ने मार दिया था। कहा जब बहुत तलाश करने के बाद भी पिता हमें नहीं मिली तो हमें लगने लगा कि किसी ने उसे मार दिया है, लेकिन आज ये उंगली अंगूठी देख के लगता है कि वो जिंदा है कहीं। लेकिन राजेश जी ये कैसे हो सकता है? जो लड़की 4 साल पहले मर चुकी हो उसकी कटी हुई उंगली आज कैसे आ सकती है? इस उंगली के साथ देखिए, ये एक चिट्ठी भी आई थी, इसे देखिए। तुम हर साल अपनी पोती की बरसी मनाते आ रहे हो पिछले 4 सालों से, मगर बरसी मरे हुए लोगों की मनाई जाती है, जिंदा लोगों की नहीं। मुझे विश्वास है कि तुम ये अंगूठी देख के अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारी पोती प्रथा अभी जिंदा है। 10 करोड़ रुपयों का इंतजाम करो अगर तुम उसे जिंदा वापस देखना चाहते हो तो। राजेश जी, अगर हम ये मान भी लें कि ये उंगली आपकी पोती प्रथा की है, मगर हम ये कैसे विश्वास करें कि वो जिंदा है? मेरा मन कहता है साहब, मेरा मन कहता है, इसलिए कि 4 साल पहले भी हमें उसकी लाश वगैरह कुछ नहीं मिली थी। बस जब बहुत ढूंढने के बाद वो नहीं मिली तो हम सबने मान लिया कि किसी ने उसे मार दिया है। मान लिया? पर आज 4 साल के बाद किसी ने कटी हुई उंगली और एक अंगूठी भेजी है और कहता है कि वो प्रथा की है, तो इतने दिन वो कहां था? पहले भी तो भेज सकता था वो, अगर उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे तो। ये कोई चाल है। मगर किसकी चाल हो सकती है ये आप लोग बताइए, आप लोगों की या उसके मम्मी डैडी की कोई दुश्मनी? नहीं नहीं नहीं, उसके मम्मी डैडी तो बहुत अच्छे लोग थे और दुश्मनी तो हमारी भी नहीं है किसी के साथ। तो फिर एग्जैक्टली हुआ क्या था आज से 4 साल पहले जब प्रथा गायब हुई थी? देखिए साहब, हमारे परिवार का ये दस्तूर रहा है कि साल में हम सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, आपस में मेल मुलाकात भी हो जाती है और कारोबार की बिजनेस की बातें भी हो जाती हैं। बाहर की दुनिया को ये पता भी चल जाता है कि हम सब एक साथ साथ हैं। तो फिर जिस दिन प्रथा गायब हुई थी, आई थी वो मुझसे मिलने, कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, मैं एक मीटिंग में था। मैंने कहा कि मीटिंग के बाद बात करते हैं बेटा। तो मीटिंग के बाद मिले आप उसे? नहीं, बस आखिरी बार तभी देखा था उसे हमने, बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन वो ना हमें मिली ना कहीं पुलिस को। और 4 साल के बाद आज उसकी कटी हुई उंगली और फिरौती का लेटर आया है। इस उंगली को फोरेंसिक लैब में भिजवाते हैं। दिल्ली से इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट भेजी है। तारिक और सोनाली के बारे में? नहीं सर, उनके बारे में तो कुछ पता नहीं चला, मगर 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 क्या सर? इसमें लिखा है कि आपकी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा है? ऐसा स्पेसिफिक रिपोर्ट है सर, आपका नाम लिखा हुआ है, आपको मारने का प्लान बनाया गया है सर, और आपके साथ साथ CID को भी खत्म करने का इरादा उन लोगों का। CID को भी खत्म करने का इरादा है? CID कभी खत्म नहीं होगी अभिजीत, हम नहीं रहे तो क्या हुआ, कोई और ऑफिसर्स रहेंगे, मगर CID कभी खत्म नहीं होगी। वो बात ठीक है सर, पर आप खुलेआम मत खोलिए। तो क्या करूं, घर में छुप कर बैठूं? हाँ, अगर हम घर में छुप कर बैठेंगे तो लोगों का क्या होगा? सर मैं कह रहा हूं आप प्रोटेक्शन ले लीजिए सर,
मैं 5-6 कमांडोज बुला देता हूँ, आपके साथ रहेंगे वो। अच्छा 5-6 कमांडोज की सिक्योरिटी दोगे तुम मुझे? मेरी बारात निकालोगे और बारात AK-47 लेकर घूमेंगे? तो एक काम करो, एक घोड़ा भी मंगवाओ, बिठाओ मुझे उस पर, तब जाके मेरी बारात पूरी हो जाएगी। इसमें यह भी लिखा है कि CID को खतरा है, तो क्या तुम सब लोग क्या अपने चारों तरफ कमांडोज लेकर घूमोगे? नहीं सर, वो बात नहीं है। तो फिर खतरा तो है ना सर? नहीं, कोई खतरा वतरा नहीं, मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। और तुम लोग भी संभल कर रहना। ये लोग है कौन? वही लोग होंगे सर जिन्होंने डॉक्टर सोनाली और तारिका को गायब किया, जो लोग CID पे हमला करने वाले हैं। अदया, मगर इसमें ये तो नहीं लिखा है ना कि कौन हमला करने वाला, उनको तो हमको ही ढूंढना पड़ेगा। काम करो, पुरानी मुर्दों को जगाओ। मुर्दे? हाँ मुर्दे, कब्र में से निकालो उन्हें बाहर। सर अभी तक तो ना जाने कहां कहां चले गए होंगे। कोई बात नहीं, उड़ती उड़ती खबर तो उनके कानों तक पहुंची होगी। मुर्दे मतलब पुराने खबरी जिनसे काफी दिनों से हमने बात नहीं की है। प्रीता के बारे में क्या पता चला? सर पुरानी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जिस दिन प्रीता गायब हुई थी उस दिन वो चिल्ड्रंस परेड देखने गई थी। परेड देखने के बाद जब वो वापस लौटी तो वो अपने दादाजी से मिलने गई, पर वो मिल नहीं सकी। तो क्या राजेश घर पर नहीं था? नहीं सर, राजेश जी एक मीटिंग में बिजी थे, वो उससे बाद में मिलने वाले थे। पर सर उसके बाद प्रीता गायब हो गई, किसी ने देखा नहीं उसके बाद। एक और बात पता चली है सर, राजेश जी के घर के सामने एक ब्रिज है, जिस दिन प्रीता गायब हुई थी वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया था, तो पुलिस वालों ने वो सड़क बंद कर दी थी। अभिजीत, अगर सड़क बंद थी तो प्रीता को गायब कैसे किया होगा? चारों तरफ पुलिस होगी। वही मैं सोच रहा हूँ सर, सड़क से तो ले नहीं जा सकते, लेकिन राजेश जी के घर के पीछे समंदर है और वहां पे बोट चलती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीता को पानी के रास्ते गायब किया हो सकता है सर? ये नक्शा है सर राजेश जी के घर का, ये वाला ब्रिज है सर, ये बंद हो गया था और यहाँ पे समंदर है, ये बोट उस तरफ ले जाने का। सर प्रीता की किडनैपिंग उसके घर के किसी आदमी ने की होगी, किडनैपिंग करने के बाद घर के आसपास से कहीं छुपा दिया होगा सर। सर प्रीता राजेश जी की सौतेली पोती थी, लेकिन हाँ उसे चाहते बहुत थे। हाँ मगर प्रीता को किडनैप किया कैसे? हेलो, हाँ सर, सर किसी घर में उसी के घर के आदमी की उंगली काट कर भेज दी जाए, उनके दिल पे क्या गुजरती है ये देख के दिल दहल गया। बस ये उंगली देखो कितनी पतली है ये, और ये अंगूठी कितनी बड़ी, ऐसा लगता है निकल के गिर पड़ेगी। बिल्कुल गिर ही पड़ती। तर मुझे लगता है ये उंगली किसी बीमारी की वजह से तो पतली नहीं हो गई। हाँ सर, लेकिन परिवार वालों ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि प्रीता को कोई बीमारी थी। फिर तो बॉस ये अंगूठी इस प्रीता की है ही नहीं। मतलब उंगली काटने के बाद ये अंगूठी पहनाई गई है? एग्जैक्टली, उंगली काटने के बाद ये अंगूठी पहनाई गई है, और जिस किसी ने भी इस उंगली को काटा है उसने कोई बहुत ही पुरानी नुकीले दांतों वाली चीज से इस उंगली को काटा है। मतलब कोई सॉ ब्लेड? एग्जैक्टली, ये देखो खाल और मांस भी टेढ़ा मेढ़ा कटा हुआ है, और ये आरी के नुकीले दांत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक बात और, ये आरी किसी कोने में पड़ी होगी बहुत लंबे वक्त तक, और उस आरी पर जंग लगा हुआ था। कितना तड़पी होगी ये बेचारी। हाँ, एक और बड़ी अजीब बात पता चली, यहां देखो ये पीले पीले निशान देख रहे हैं आप लोग, ये टोबैको के, तंबाकू के। जब भी कोई अपनी उंगलियों में दबाकर सिगरेट पीता है तो ऐसे निशान आते हैं। मतलब ये लड़की सिगरेट पीती थी? बिल्कुल, ये लड़की सिगरेट पीती थी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सिगरेट पीती होगी। विवेक भाई, ये उंगली तो यही बताती है। मैंने इस उंगली पर से थोड़ी सी खाल लेके टेस्ट करके भी देखा है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जो चीजें इसके बारे में बता रहे हो वो तो इससे मैच नहीं करती। ये भी तो हो सकता है कि ये उंगली इसकी ना। बस बिना DNA टेस्ट किए कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ मगर डॉक्टर, इस उंगली का DNA मैच करेंगे कैसे? प्रीता तो सौतेली बेटी थी,
और उसके मम्मी डैडी की मौत हो चुकी है कार एक्सीडेंट में। बॉस तुम लोग एक काम करो, प्रथा के घर पे जाओ, फिर से चेक करो उसका कमरा, एक एक चीज, शायद कोई चीज मिल जाए, शायद कोई ऐसी चीज जिससे, जैसे हेयर ब्रश, हेयर ब्रश में अगर कोई बाल फंसा हुआ मिल जाए, उस बाल का हम डीएनए टेस्ट करके देखेंगे और फिर इस उंगली के डीएनए से मैच करके देखेंगे। सचिन, अगर डीएनए मैच हो गया तो ये उंगली प्रथा की है, नहीं तो नहीं। ठीक है डॉक्टर, प्रथा का कमरा चेक करते हैं। सर ये है प्रथा का कमरा, जो भी चीज उसने जहां पर भी रखी थी हमने वहीं पर रख दी है। इस कमरे की साफ सफाई तो होती होगी ना? जी सर, साफ सफाई तो हमेशा होती है, पर जो भी चीज जहां से भी उठाते हैं हम वापस वहीं पर रख देते हैं। एक्चुअली सर, जितना जितना इस कमरे के बारे में जानती है और कोई नहीं जानता, यही करती है देखभाल इस कमरे का। कमरे में से कोई भी सामान बाहर तो नहीं गया? जी नहीं सर, एक्चुअली दादाजी का ऐसा सोचना था कि प्रथा कभी ना कभी तो वापस आ जाएगी। दादाजी तो किसी को इस कमरे में आने नहीं देते, वो तो आप लोग हैं जो उन्होंने हाँ कहे। हमें इस कमरे की तलाशी लेनी है। उसे तो ऐसी किताबों से कोई मतलब ही नहीं था, वो तो काफी हंसी मजाक करने वाली लड़की थी। तो फिर ये खून खराबे वाली किताबें क्या कर रही है उसके कमरे में? खूनी किताबें? कहीं इसलिए तो नहीं वो इतनी बदली बदली लग रही थी? क्या मतलब है आपका? मतलब गायब होने से कुछ दिन पहले उसका बर्ताव कुछ बदल गया था, इतनी खुश रहने वाली लड़की अचानक ही चुप चुप रहने लगी थी। सर यहाँ पर ना ही कोई हेयर ब्रश है और ना ही कोई कंघी, पर ब्रश तो यहीं पर था। तो कहाँ गया ब्रश? सर डायरी मिली है, लगता है प्रथा की है। क्या बात है पता? देखो डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बताओ क्या बात है? किसी को पता नहीं चलना चाहिए और दादाजी को भी नहीं। नहीं पता चलेगा, बोलो। जिस दिन से प्रथा गायब हुई है मुझे तो फाल्गुन पे शक है। मुझे लगता है कि फाल्गुन ने प्रथा को गायब किया है। ये फाल्गुन कौन है? अन्नपूर्णा का भाई। और ये अन्नपूर्णा कौन है? प्रथा की दोस्त। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि फाल्गुन ने गायब किया प्रथा को? एक नंबर का छटा हुआ गुंडा है वो, कई बार जेल भी जा चुका है, हमेशा प्रथा के पीछे पड़ा रहता था वो। क्या कहता था वो प्रथा से? उसके सामने तो हमेशा हीरो बनने की कोशिश करता था वो, लोगों से लड़ाई झगड़ा करना उसके लिए तो आम बात थी। प्रथा को ये सब पसंद नहीं आता था और मुझे तो वो कभी पसंद नहीं आया। हेलो, और क्या क्या कहा उसने प्रथा को? वो शादी करना चाहता था उससे। क्या? क्या बात है काजल, सब ठीक तो है ना? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? कुछ है विवेक, मैं बाद में बताऊंगी, मुझे अभी के अभी घर जाना पड़ेगा। सर से कह दोगे कि मैं घर चली गई हूँ, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये क्या है? सब पेज पे जो फोन नंबर लिखे हैं उनके सामने नाम लिखा हुआ है, मगर ये आखिरी जो पेज है इस पे 6 फोन नंबर्स लिखे हैं, उनके सामने किसी का भी नाम नहीं है। मतलब ये फोन नंबर्स नहीं है, ये कोई और ही नंबर है, ये कोई और ही चक्कर है। अरे दरवाजा खुला कैसे? अनुज, अनुज, अनुज कहाँ हो तुम? बाहर आओ अनुज, बताओ कहाँ चोट लगी तुम्हें?
अनुज अगर मजाक कर रहे हो ना तो बहुत बुरा होगा, कह देती हूँ। बाहर आओ अनुज, अनुज ओ माय गॉड, अनुज 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 तुम ठीक तो हो अनुज? अनुज यहाँ तो कोई भी नहीं है, तेरी आवाज कहाँ से आई थी? प्रीता के घर से हमें ये जो डायरी मिली है इसके पहले पेज पे सर उसने एग्जाम के डेट्स के बारे में लिखा है सर, और दूसरे पेज में दोस्तों से जो मुलाकात हुई थी उसके बारे में उसने लिखा है। और बाद में? बाद में सर ये सब फोन नंबर्स हैं, ये सारे फोन नंबर्स उसके दोस्तों के सर, पर ये आखिरी में जो 6 नंबर है सर इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब सर इन नंबर से अभी तक सिर्फ इतना पता चला है कि जो नंबर 53 से शुरू हो रहे हैं वो हनुमंत नगर एरिया के हैं, और जो 63 से शुरू हो रहे हैं वो भिंड नगर एरिया के हैं सर। और सर नंबर्स के सामने जो कोड्स लिखे गए हैं RI, RL और RJ वो शायद किसी के नाम के पहले दो अक्षर। तो तुमने टेलीफोन लगा के देखा? हाँ सर, इनमें से कोई भी प्रीता को नहीं जानता। इनमें से कोई भी प्रीता को नहीं जानता? तो फिर ये टेलीफोन नंबर प्रीता के डायरी में आए कैसे? अच्छा एक काम करो, तुम इन टेलीफोन नंबर के पीछे लगी रहो, पता लगाओ ये किसके नंबर है। हमारा खूनी इन्हीं नंबर्स में छुपा है। दया, जरा प्रीता की दोस्त अन्नपूर्णा से मिलते हैं। अन्नपूर्णा। जी सर। सुना तुम्हारा भाई प्रीता को तकलीफ देता था? ये सब झूठ है सर, कोई बना बात के मेरे भाई को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वो तो जेल भी गया था ना? मगर उसके बाद वो छूट गया था, जब सबको सच्चाई पता लगी तब। अच्छा अच्छा, जरा डायरी लेकर आओ। सर इसे देखिए, इनमें से किसी नंबर को पहचानती हैं आप? नहीं सर। प्रीता को आखिरी बार कब देखा था तुमने? सर उसी दिन जिस दिन प्रीता गायब हुई थी। उसी दिन? जी सर, हम दोनों चिल्ड्रंस डे की परेड में गए थे। और कब तक थे साथ में? यही कोई 1:30-2 बजे तक। और कोई था तुम्हारे साथ? नहीं सर, सिर्फ हम दोनों थे। इनफैक्ट उस दिन हम दोनों ने बहुत सारे फोटोज भी क्लिक किए थे। तो क्या हम वो फोटोग्राफ देख सकते हैं? जी सर, मेरे घर पे है। काजल का क्या? उसे काजल कह रहे कि उसके भाई को चोट लगी है और वो उसे हॉस्पिटल लेके जा रही है। मगर दया, काजल ने SMS क्यों भेजा, टेलीफोन क्यों नहीं किया? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है दया, कुछ तो गड़बड़ है। वेलकम मिस काजल, हमारे ग्रुप में आपका स्वागत है।
सीआईडी की दुनिया से अलग एक हमारी भी दुनिया जिसमें आपका स्वागत है। घबराओ नहीं, हल्की सी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। कौन हो तुम? इतनी जल्दी भी क्या है, सब पता चल जाएगा। पहले तुम सब इकट्ठा तो हो जाओ, फिर आराम से सब कुछ बता दूंगा। मुझे किडनैप करने के लिए मेरे भाई का सहारा लिया? तुम सीआईडी वाले इतने बेवकूफ हो सकते हो, ये मुझे अब पता चला। दोनों की दोनों डॉक्टर्स किडनैप हो चुकी है, उसके बावजूद तुम मेरे जाल में फंस गई। हां, क्या किया? क्या किया तुमने डॉक्टर सोनाली और तारिका के साथ? वही जो अब तुम्हारे साथ होने जा रहा है। ये क्या पागलपन है? पागलपन तो अब शुरू होगा। पागलपन तूने देखा ही कहां है? पागलपन तो अब तुझे दिखाना। तुझे कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी बचा नहीं सकता। सीआईडी ऑफिसर का मोबाइल और स्विच ऑफ, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जरा सी चोट क्या लगी भाई को के मोबाइल ही स्विच ऑफ। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? फर्श पे पानी। किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? एक आदमी। कौन था वो आदमी? मास्क आ रहा था। मास्क। और काजल कहाँ है? काजल के सर पे मारा, उसे ले गया। ले गया? कहाँ ले गया? पता नहीं। मगर अनुज, काजल को तो तुम्हीं ने फोन करके बुलाया था। उसी ने मुझे कहा काजल को फोन करके बुला और बोला तुम्हें चोट लगी है। मैंने मना किया तो उसने मुझे भी मारा। आखिर ये हो कौन सकता है? S+D, HD,
एक ही हो सकता है। सर एक लड़की अचानक से कैसे गायब हो सकती है सर? विवेक, राजेश जी के आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मालूम था कि प्रीता कब कहां जाती थी और कब वापस आती थी। हाँ सर, परेड से वापस घर आने के बाद ही वो गायब। सर इसमें है वो फोटोग्राफ्स जो परेड में मैंने और प्रीता ने खींचे थे। प्रथा काफी उदास रहने लगी थी। तो आपने पूछा नहीं कि क्यों उदास थी वो? पूछा था, कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं। ये ज्यादातर फोटोग्राफ्स में ये प्रथा अपने दाएं तरफ देख रही है। ये देखिए, ये किसे देख रही है कुछ मालूम है आपको? पता नहीं सर। अच्छा, इन फोटोग्राफ्स के अलावा कोई और फोटोग्राफ्स हैं उस दिन के? नहीं सर, सिर्फ यही फोटोग्राफ्स हैं। ये देखो। क्या सर? इस फोटोग्राफ में ये आदमी पिता के ठीक पीछे खड़ा है, फोटोग्राफ खींच रहा है। हाँ सर, तो इस आदमी के कैमरे में शायद वो आया होगा जिसे प्रीता देख रही थी। हाँ सर, हो सकता है। लेकिन सर ये तो 4 साल पहले की बात है सर, इस कैमरे वाले आदमी को ढूंढेंगे कैसे? एक मिनट, ये फोटो देखिए सर। इस फोटो में ये कैमरे वाला आदमी गाड़ी में बैठा है। गाड़ी का नंबर कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, इस औरत ने ढक दिया है नंबर को। और ये गाड़ी के कांच पे कुछ एक स्टिकर जैसा कुछ लगा हुआ है, जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना। यस सर, चलिए सर। मेहता फर्नीचर हाउस, मेहता फर्नीचर हाउस। तो यहां से पता चल सकता है कि ये दोनों है कौन। आशा? यस सर। क्या हुआ, तुम्हारे नंबर्स बोलते हैं या नहीं? सर अब तक तो चुप हैं। अरे चुप कैसे हैं, मुंह खुलवाओ उनका। सब कोशिश कर रही हूँ। देखो आशा, वो नंबर्स कोई टेलीफोन नंबर्स हो सकते हैं, गाड़ी का नंबर हो सकता है, या फिर किसी शहर गांव या घर का पिन कोड भी हो सकता है, वो सब देखो। सर ये सब तो मैं कर चुकी हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, क्या प्रथा के घर वालों ने उसके हॉबीज के बारे में कुछ बताया? वो क्या करना पसंद करती थी? सर हॉबीज का इन नंबर्स से क्या लेना देना? ताशा, हॉबीज का नंबर्स के साथ लेना देना है? पता चलेगा तुम्हें, पहले बताओ तो सही। प्रथा के घर वाले बोल रहे थे कि प्रथा को म्यूजिक, डांस और किताबें बहुत पसंद है। किताबें? मैंने कहा ना ताशा, पुराने क्लासिक्स के पेज नंबर्स के साथ साथ उनके पैराग्राफ के भी नंबर्स आते हैं। तो ये नंबर्स तुम अपने कंप्यूटर में फीड करो, किताबों में देखो, देखो क्या निकलता है। सब बहुत सारे पैराग्राफ्स आ गए। देखो तो सही। सर एक केस है इस तरीके का। 4 साल पहले एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। स्टार भी बना हुआ था सर फर्श पर, और लोगों ने सोचा कि आत्महत्या है, इसीलिए केस बंद हो गया। नाम क्या है उसका? रिद्धिमा। आ रहा है रिद्धिमा, आ रहा है। इसका एक ही मतलब है ताश, प्रीता उस खूनी को जानती थी और इसलिए खूनी ने जो भी खून किए प्रीता ने अपने डायरी में लिख लिए अपनी ही कोड लैंग्वेज। और खूनी को मालूम था कि प्रथा इस बारे में जानती है, और उसने प्रथा को मना किया होगा उसके बारे में बताने के लिए। और उस दिन वो अपने दादाजी के पास उस खूनी के बारे में ही बताने गई थी।
और इससे पहले कि वो अपने दादाजी को बताती, खूनी ने उसे किडनैप कर दिया। ताशा, ये बाकी के 5 नंबर्स भी खून ही है, खून जो इसी आदमी ने किए हैं। मगर है कौन ये? ये कौन है? सर, ये काजल का भाई है। क्या? काजल का भाई? क्या हुआ इसको? सर, इसे किसने मारा पीटा और कबर्ड में बंद करके रखा था। किसने? पता नहीं सर। मगर काजल कहाँ है? बड़ी काजल को किसी ने किडनैप कर लिया। क्या? हाँ सर, जिस आदमी ने इसे बांध के रखा था ना सर, वही काजल को भी लेके गया। Damn it! ये हो क्या रहा है? सर, वो आदमी काजल के घर में घुसा, इसे मारा पीटा और उसके बाद इसी से काजल को फोन भी करवाया। कोई सबूत मिला? हाँ सर, सर काजल जाने से पहले हमारे लिए कुछ लिख के गई है सर। S+T HD S+T HD ये कौन सा फॉर्मूला सर? फ्रेडी, लगता है ये S का मतलब है सोनाली और टी है तारिका, मगर ये HD क्या है? HD क्या है? तूने देखा उसे? नहीं सर, उसने मास्क पहन रखा था। इसे हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। अदय, फर्नीचर शोरूम के बारे में क्या पता चला? सर, वो दुकान तो बहुत दिनों पहले ही बंद हो गई थी। तो उसका मालिक कौन था? सर, फर्नीचर शॉप के मालिक का पता चल गया। गुड, तो फिर उसे ये फोटो दिखा, देखो पहचानता है क्या। यस सर। हाँ सर, ये लड़का कौन था? काजल का भाई दया काजल भी किडनैप हो गई। हाँ, सर 4 साल पुरानी बात है, पता नहीं इस फर्नीचर वाले को याद भी हो कि ना। उसके देखते हैं उसने में क्या हालत है, कुछ ना कुछ जरूर पता होगा इसे। माफ करना भाई, मैंने पहचाना नहीं आपको। वो क्या है कि नजर पे असर पड़ गया है, कभी कभी तो दिखाई नहीं पड़ता। कुछ सवाल पूछने थे, हम लोग CID से। CID जी? आइए आइए जी, बोलिए, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? ये फोटो ध्यान से देखिए और ये बताइए कि ये कौन है जिसके हाथ में कैमरा है? ये तो मेरा बेटा है सौरभ, और ये मेरी बहू है। क्या हम सौरभ से मिल सकते हैं? माफ कीजिए, आप लोग उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये 4 साल पुरानी फोटो है, इसके बारे में कुछ बता सकती हैं आप? जी, उस वक्त हमारी नई नई शादी हुई थी और हम लोग चिल्ड्रंस डे पर परेड देखने गए थे। उस दिन की और भी फोटोज है आपके पास? जी, मैं लेकर आती हूँ। एक बात पूछनी थी आपसे, ये फोटो आपको मिली कहाँ से? वो जो है उस दिन किस में बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं। Thanks. ये है वो आदमी जिसकी हमें तलाश थी, मगर इस फोटो में भी इसका चेहरा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। दया, ये बात तो समझ में आ गई कि प्रीता ने अपने डायरी में जो नंबर के सामने कोड लिखे हैं
वो उन छह लोगों के नाम के पहले अक्षर हैं जिनको बड़ी बेरहमी से उस आदमी ने मारा है। सर, प्रीता को खूनी के बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए उसने प्रीता का भी खून कर दिया। हाँ, मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि प्रीता को उस खूनी के बारे में पता चला कैसे और फिर उसने किसी को बताया कैसे नहीं, सिर्फ अपने डायरी में ही क्यों लिखा? देखिए सर, जैकेट ने अपना रंग दिखा दिया है। आर एंड सी मतलब राजेश एंड कंपनी का लोगो है ये। सर, इन पांचों खून और मिस्टर राजेश की कंपनी का कुछ ना कुछ आपस में कनेक्शन जरूर है। वो कैसे? सर, जहां जहां पे मिस्टर राजेश ने अपने नए ऑफिस खोले वहां पे ये खून हुए, और वो भी जिस दिन कंपनी खुली उस दिन। ओ, अच्छा, है कौन वो जो ऑफिस के इनॉग्रेशन के दिन वहां पर था? सर, इसका हमने पता लगा लिया है। कौन है वो? मयंक और अक्षय। मयंक और अक्षय। विवेक, ताशा, इन दोनों के कमरों की तलाश है। यस सर। ये क्या हो रहा है? हमारे कमरे की तलाशी क्यों? परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी सब पता चल जाएगा। एक बात बताओ, जिस दिन प्रथा गायब हुई उस दिन दोपहर के बाद तुम कहां थे? क्या हुआ, याद नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, आराम से याद करके बताओ। हाँ सर, याद आया, उस दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, नताशा। अरे वाह, बड़ी जल्दी याद आ गया सर इसे। उस दिन प्रथा एक परेड में गई थी, उसके बारे में कुछ याद है? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को याद होगा? हाँ, उसे जरूर याद होगा, लेकिन इस वक्त वो कहाँ पर है मुझे नहीं पता। क्यों, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? थी, दरअसल उसके साथ मेरे संबंध उसी दिन टूट गए थे और तब से मैं उसे मिला ही नहीं हूं। बड़ी अजीब बात है, कोई बात नहीं। मैन जी, आप कहां थे उस दिन? सर मैं तो यहां था ही नहीं, दिल्ली गया था एक कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए, और उस दिन मेरी फ्लाइट भी छूट गई थी, इसलिए मैं लेट पहुंचा था। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों में से जैकेट कौन पहनता? ब्राउन कलर की, जिसमें आपकी कंपनी का लोगो लगा हो। मेरे पास ऐसा कोई जैकेट नहीं है, और वैसे भी दादाजी की कंपनी के साथ मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। इस तरह की जैकेट तो मेरे पास है ही नहीं, और मैं तो जैकेट पहनता ही नहीं। नहीं, आप में से एक आदमी झूठ बोल रहा है, कौन है वो अपने आप बता दो। सर, जिस जैकेट की तलाश थी वो जैकेट मिल गई है सर, एक अलमारी में। ये देखिए। किसके कमरे से मिली है? मयंक, मिस्टर मयंक। तुम तो कह रहे थे कि तुम जैकेट पहनते ही नहीं हो, तो फिर ये जैकेट तुम्हारे पास कहां से आई? मुझे नहीं मालूम, मैं सच कह रहा हूं। तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी अलमारी में ये जैकेट मिली है, और तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तो इससे क्या साबित हो जाता है? मेरे अलमारी में इसे जैकेट मिलने से क्या यह साबित हो जाता है कि खून मैंने किया? जिस दिन प्रथा गायब हुई थी उस दिन तुम्हारी कंपनी ने एक नई ब्रांच खोली। तो उस उद्घाटन समारोह में तुम भी थे और तुमने यही वाली जैकेट पहनी थी। बस गोली मार दूंगा मैं इनको, बहुत हो गया, बड़े दिनों से मैं तुम लोगों का नाटक देख रहा हूं। देखो, होश में आओ, गोली चल जाएगी। तो तू है वो जिसने मेरे फूल सी बच्चे को बेदर्दी से कत्ल किया है? अरे, तुझे जरा भी दया नहीं आई उस पर? ऑफिसर, इसे मत छोड़ना, कड़ी से कड़ी सजा देना इसे। सजा तो इसे जरूर मिलेगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा कर सकता है। देखो, तुमने जब प्रीता को मार दिया था तो फिर उसकी उंगली तुमने क्यों भेजी अभी? ये सब मैंने पैसों के लिए किया है, पैसे नहीं थे मेरे पास और मुझे ड्रग्स चाहिए थे,
ड्रग्स के लिए मैंने पैसे लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने दादाजी पे गन तान रखी थी, अपनी बहन की जान ली तुमने। मैं खूनी नहीं हूं सर, यकीन कीजिए मैं खूनी नहीं हूं। इन्होंने मुझे खूनी बनाया इन्होंने। हाँ क्या बताऊं सर, इतनी जिम्मेदारियां डाल दी मुझ पर कि मुझसे संभाला नहीं गया, मुझे टेंशन होने लगा और उस टेंशन के चलते मैं ड्रग्स लेने लगा और नशे में आकर मेरे हाथों से एक के बाद एक खून होने लगे। इस बात का प्रिथा को पता चल गया, उसने सबने बताने की धमकी दी मुझे, मैंने सब बहुत मना किया लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। और जब वो नहीं मानी तो तुमने खून कर दिया उसका। हेलो, हाँ बोल रहा हूं, क्या काजल का अभी तक पता नहीं चला? उससे बोला ना अपने काम से काम रखने का, फालतू चीजों में ध्यान नहीं देने का। दादा मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, अब तो खाली फुकट भड़क रहे दादा। अरे नहीं बेटा, ये खजाना है खजाना, समझा? तेरी समझ में नहीं आएगा, चल जा काम करो, जा चल चल जल्दी जल्दी जा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.